अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 21वीं सदी में इंसानी रिश्तों के बदलने की कहानी। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और इसी के साथ इंटरनेट भी। इसकी लत ऐसी है कि लोग अपने आसपास बैठे लोगों से भी सोशल साइट्स के जरिए ही बात करते हैं। इसी लत में एक शख्स ने अपने स्मार्टफोन से ही शादी कर ली है। जी हाँ, स्मार्टफोन को पत्नी बना लिया है। यकीन ना हो तो खुद देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया की सबसे अनोखी शादी, स्मार्टफोन से इंसान की शादी। स्मार्टफोन ने ली पत्नी की जगह। आप इस वक्त दुनिया की सबसे अजीबोगरीब शादी की तस्वीरें देख रहे हैं। काले कोट में ये हैं दूल्हा एरोन शेवनैक और उनके सामने टेबल पर है ये स्मार्टफोन, उनकी दुल्हन। जी हाँ, चौंकिए मत, ये हकीकत है। ये पादरी दुनिया के शादी को पूरा करा रहा है। रस्में निभाई जाती हैं, कस्में ली जाती हैं और फिर स्मार्टफोन के साथ अंगूठी पहनाने की रस्म के साथ ही ये शादी पूरी होती है। पेशे से कलाकार और डायरेक्टर एरोन शेवनैक और उनके स्मार्टफोन के बीच ये शादी अमेरिका के लास वेगस में। इसके लिए एरोन ने अपनी खास पिंक कार में लॉस एंजलिस से लेकर लास वेगस के बीच 365 किलोमीटर की दूरी खुद तय की। दूल्हे का लिबास पहना, फोन को भी लिबास के तौर पर गार्ड पहनाया गया, चैपल को सजाया गया और फिर दोस्तों की गवाही में शादी हुई। सर्टिफिकेट में साइन करने के साथ ही ये दोनों जीवन साथी बन गए। हर कोई हैरान है कि आखिर एक इंसान की जगह एक फोन कैसे ले सकता है। तो इसके जवाब में एरोन कहते हैं कि शादी से वो पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये कि हमारी जिंदगी में अब स्मार्टफोन की क्या अहमियत है। Connect with our phones on so many emotional levels. We look to it for solace, to calm us down, to put us to sleep, to ease our minds. And to me, that's also what a relationship is about. So, in a sense, my smartphone has been my longest relationship. That's why I decided to see what it was like to actually marry a phone. शादी में पादरी ने अरुण को स्मार्टफोन की इज्जत करने, प्यार करने और उसके प्रति ईमानदार रहने की कसमें खिलाई। Now do you, Aaron, take this smartphone to be your lovely wedded wife? I do. And do you also promise to love her, honor her, comfort and keep her, and be faithful to her? I do.